सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है छोटे छोटे किचन टिप्स और छोटी छोटी सी यूनिक सी रेसिपी। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएंगी, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैंगो का सीजन चल रहा है और हम सभी लोग मैंगो को इंजॉय कर रहे हैं, टाइप टाइप से इसका यूज कर रहे हैं, पर इसके जो छिलके होते हैं ना उनको तो हम फेंक देते हैं। तो आज मैं ना उनके छिलकों का ही यूज़ बता रही हूँ। मैंगो को अच्छी तरह से वॉश करके ना फिर इसको छील लेना, और ये जो बड़े वाले छिलके हैं ज़्यादा बड़े साइज़ के, उसको दो दो पीस कर लेना। अब इनको हमने सुखाना है। सुखाने के लिए चाहे तो धूप में सुखा लेना, इसके ऊपर पतला सा कपड़ा डालकर रख देना, या फिर माइक्रोवेव कर लेना, दो तीन मिनट में सूख जाएंगे। तो देखिए ये ऐसे सूख गए, ऐसे हो गए, गीलापन अब इसमें नहीं है। तो अब इसमें डालने के लिए मसाला मिक्स कर लेना। बेसिक से मसाले हैं जैसे कि काला नमक, अमचूर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, जो भी आपको पसंद हो ऐसे मसाले मिक्स कर लेना। अब ये आम के जो छिलके हैं ना इनको करना है फ्राई। फ्राई कर रही हूँ मैं, मीडियम फ्लेम पर आपने रखना है। इसको डालते से ही निकाल लेना, एकदम से फ्राई हो जाते हैं। आप चाहो तो इसे एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, अगर फ्राई नहीं करना चाहते तो। इसके ऊपर डाल लेंगे ये मसाला, तो देखिए आप कितने क्रिस्पी बने। खाने में भी खट्टे मीठे से लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसको खाते से ही मुझे ना कच्चे आम की याद आ गई। हमारे टाइम में हम लोग जब छोटे थे तो कच्चे आम के ऊपर इस तरह से मिर्च मसाले डालकर खाते थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह से कच्चे आम को खाया हुआ है, मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। कल तरबूज भी बहुत अच्छा आ रहा है और इसको खाना ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद होता है। ठंडा ठंडा तरबूज हो तो सभी खुश होकर खाते हैं। पर आज मैं ना इसको हल्का सा ट्विस्ट दे रही हूँ, एक डेजर्ट बना रही हूँ जो कि है इटालियन। इसको कहते हैं ग्रेनिटा। तो बनाने में बहुत आसान है। देखिए तरबूज को काट कर लिया है, इसको मिक्सी के जार में डालकर ना आपने पीसना है। साथ में एक दो चीज़ें और डालनी है, जैसे कि काला नमक डाल लें थोड़ा, और शुगर डालें क्योंकि तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। और साथ में नींबू का रस डाल दें, एक नींबू का रस डाला है। पुदीने के पत्ते पड़े हों तो थोड़े से वो भी डाल देना। अब इसको पीस लेना और अब कर लेना स्ट्रेन। स्ट्रेन करने से जो भी इसमें सीड्स वगैरह हैं वो हट जाएंगे। तो सारा तरबूज ऐसे ही कर लेना। और अब ये देखें, इसमें मैंने इसको रखा है क्योंकि इसे मैं फ्रीजर में रखकर जमाऊंगी। चाहे तो इसके ऊपर आप क्लीन रैप लगा लेना, नहीं तो ऐसे ही रख देना। अब ये देखें बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया है। इसको फॉक से इस तरह से निकालते हैं तो देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे इसके बर्फ के पीसेस हैं ये। तो इसको सर्व कर लिया है। ऐसे ही खाना चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो, नहीं तो इसको आप मिक्सी के जार में डालकर एक बार फिर से चला लें। तो देखिए और भी स्मूथ हो गया है। तो इसको आप स्ट्रॉ से पी सकते हो, गर्मी से बहुत आराम मिलता है। चाहो तो ऊपर थोड़ा थोड़ा रूअफज़ा भी डाल लें। बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होकर खाते हैं, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर देना। घर में हर थोड़े दिन में हम लोग देसी घी निकालते ही हैं। बटर से निकालें या मलाई से, आज मैंने बटर से निकाला है। तो देखिए देसी घी निकल चुका है, ठंडा भी हो गया है। तो इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। स्ट्रेन करने के बाद ये जो ब्राउन वाला पार्ट बच गया है ना, इसका क्या यूज़ करें? कई बार क्या होता है, विंटर टाइम है, हम लोग इससे लड्डू वगैरह पंजीरी वगैरह बना लेते हैं। पर अब जैसे समर टाइम है, मन नहीं कर रहा है लड्डू वगैरह खाने का, तो हम क्या सोचते हैं, चलो फेंको इसको, क्या करना है। तो इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसमें भी काफ़ी देसी घी होता है। तो क्या करना है आपने, इसको आप किसी भी बाउल वगैरह में डाल लें और साथ में इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, सादा पानी डाला, एक दो गिलास डाल दें। इसको रख दें फ्रिज में। तो देखिए मैंने इसको दो तीन घंटे फ्रिज में रखा था, ये जम गया है क्योंकि इसको मैंने फ्रीजर के नीचे जो हमारा एक खाना होता है ना उसमें रख दिया, तो उसमें ज़्यादा ठंडक होती है, तो ये जम गया है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए अब ये बर्फ़ जो है मेल्ट हो गई है, ऊपर ऊपर देसी घी ऐसे आ जाता है, इसको निकाल लें। तो ये देखिए काफ़ी सारा देसी घी निकल आया है, इसको आप ना अलग रखें और पहले यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, तो सारे देसी घी के साथ नहीं मिलाना, अलग रखना, रोटी पर लगाओ, परांठे पर लगाओ या तड़का वगैरह लगाओ। तो देखा आपने जो हम पार्ट ब्राउन वाला फेंकने वाले थे ना, उससे कितना ज़्यादा देसी घी निकल आया है। ये मेरी टिप बहुत ही यूज़फुल है, छोटी सी टिप है नींबू को लेकर। नींबू को जब भी हम काट कर यूज़ करने लगते हैं तो उसके जो बीज है ना, जितने भी हम निकाल लें फिर भी हमारी डिश में थोड़े बहुत वो निकल के गिरते ही हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, जैसे देखिए हम नींबू को जो है सेंटर से कट करते हैं, तो आपने इस तरह से कट नहीं करना है, इसको आप इस तरह कट करें। नींबू का ये जो मोटा वाला पार्ट है ना, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपने नींबू को रख कर ऐसे कट करना है लंबाई में। ये देखें आप, इस तरह से कट करने से जितने भी नींबू में सीड्स होंगे ना, वो अलग ही दिख जाएंगे। इसको बड़े आराम से निकाला जा सकता है, चाहे तो इसके और भी पतले पतले स्लाइस कट कर सकते हैं। देखिए तो इसमें से बीज निकालने में बहुत आसानी रहेगी। फिर जब आप इससे रस निकालना चाहोगे किसी भी चाट में या किसी भेलपूरी या जहाँ भी आपने डालना है नींबू का रस, तो इसमें से सीड्स नहीं गिरेंगे, बहुत आसान हो जाता है। तो जितना आपने यूज़ करना है उतना यूज़ कर लें। ये मेरी टिप जो है बहुत ही यूज़फुल है, आप सबके बहुत काम आएगी। ये है वाइट, जब हमारे यहाँ कोई बर्तन क्रॉकरी होती है ना, उसके ऊपर कई बार क्या होता है, येलो येलो से हल्दी के दाग आ जाते हैं, सब्जी वगैरह डाल दी तो उससे भी हो जाते हैं। तो ये मेरे पास देखिए प्लेट और बाउल है, दोनों में हल्दी के दाग है। सब्जी इसमें थोड़ी देर ज़्यादा अगर रखी रह गई तो उसका स्टेन आ जाएगा, क्योंकि ये जो है दोनों ही क्रॉकरी जो है ना मेलामाइन की है। ये प्रॉब्लम जो है मेलामाइन में ही आती है ज़्यादा, तो मेलामाइन में अगर हमने बाउल में सब्जी रखी और इसको खाली नहीं किया, ज़्यादा देर रखी या फिर साथ के साथ इसको साफ़ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम तो आ गई है, इसको साफ़ करने की मैं आपको टिप दे रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है नींबू, आधा नींबू अभी मैंने लिया है। तो नींबू के रस को आपने लगाना है स्टेन के ऊपर। तो देखिए प्लेट पर और बाउल पर नींबू का रस लगा लेंगे, रब भी करेंगे इसको, अच्छी तरह से रब करेंगे। अगर तो स्टेन बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम के लगे हुए हैं, गहरे हैं, तो वो नींबू के रस से पूरी तरह से नहीं हटेंगे। अगर हल्के हैं, अभी ताज़े ताज़े ही लगे ना, तो अभी के अभी साथ के साथ ही हट भी जाते हैं। तो अब ये देखिए मैं इस पर लगा रही हूँ ना, तो स्टेन जो है काफ़ी लाइट हो गए हैं, पूरे नहीं हटे हैं, देखे काफ़ी लाइट हो गए ना, रंग पहले जैसा नहीं है, पर पूरी तरीके से ये नहीं हटे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस प्लेट और बाउल को अभी हम धोएंगे नहीं पानी से, ऐसे के ऐसे ही नींबू का रस लगा कर इसको रख देंगे धूप में। तो धूप हमें इतनी देर दिखानी होगी, अगर तो स्टेन जो है बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो उसको हो सकता है 1 से 2 दिन की धूप भी दिखानी पड़े। और जैसे अब ये लाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है डार्क, तो इसको अभी मैं धूप में रख रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको 1 दिन की धूप दिखाई है और ये बिल्कुल लग रहा है कि हट चुके हैं, तो इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने वॉश किया दोनों को, इसमें से स्टेन पूरी तरह हट गए, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, कई बार ऐसा हो जाता है बर्तनों में स्टेन आ जाते हैं, तो आप इसे ऐसे साफ़ कर सकते हो। अगर आपको ये टिप पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आपको अगर थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।